अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है वो अपडेट भी पहले हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं dlatresult.com अगर वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर स्टेट रैंक काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल, यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट, अप्लाई सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो भाई इस वेबसाइट का नाम लिख लीजिए कॉपी पर, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन का समय और बचा है, 15 घंटे, ठीक है, 15 घंटे को हटाते हैं, 3 दिन और। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपनी वीडियो में। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में स्टेट रैंक को देखेंगे और आगे काउंसलिंग कैसे होगी उसका क्या विज्ञप्ति आएगी। देखिए आपको बता दें, अभी इस साल 2024 के लिए भी काउंसलिंग के लिए एक विज्ञप्ति आएगी, ठीक है। जैसे एडमिशन के लिए एक विज्ञप्ति आई थी ना, वैसे ही काउंसलिंग के लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यहाँ पर देखिए हम आपको रोज समझाते हैं कि कैसे काउंसलिंग होगी, आप यहाँ अच्छे से समझेंगे। यहाँ जो सितंबर की डेट रखी गई इसको हटा दीजिए, अब ये डेट मान के चलिए नवंबर में ही आएगी या अक्टूबर लास्ट हो सकता है एकदम, ठीक है। पहले जो मौका मिलेगा बच्चों को रैंक 1 से लेके 20,000, ठीक है। पिछले साल दोस्तों जब आवेदन की प्रक्रिया हुई थी, जरा समझ लीजिए कितने बच्चे आवेदन किए थे, टोटल बच्चों की संख्या क्या थी, देख लीजिए पिछले साल दोस्तों 336,572, ठीक है, 336,572 बच्चे आवेदन किए थे। और इस साल जो कंप्लीट आवेदन था लगभग 278,000 के करीब था, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, जब पिछली बार दोस्तों 336,000 बच्चे थे उस केस में भी 70,100 सीटें खाली चली गई, ठीक है। तो पीएनपी लगा होगा कि भैया जल्दबाजी ना किया जाए, डेट बढ़ा दिया जाए ताकि सीटें कंप्लीट फुल हो। तो यहाँ पर एक बात आपने देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आएगी स्टेट रैंकिंग, देखिए लिखा है ना पिछले साल इतने बच्चों की मेरिट या स्टेट रैंकिंग वेबसाइट पर इतने पर अपलोड की गई है। तो इस साल 2024 में भी पहले आपकी स्टेट रैंक आएगी। स्टेट रैंक की दोस्तों जो डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर रखी गई थी, अगर सब कुछ समय से होता, ये हर साल इसमें परिवर्तन होता, कोई इस बार कुछ नया नहीं है। अभी आप लोग के कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, एक लंबी लिस्ट है कमेंट की इस वीडियो में, तो हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कोई दोस्त आपसे छूटे ना। तो यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है। मेरिट के बेस पर काउंसलिंग होती है, तो मान लीजिए कि स्टेट रैंक आपकी 1 से लेकर 20,000 के अंदर आ गई तो आपको सबसे पहले मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिछली बार सबसे पहले जो 1 से लेकर 20,000 रैंक थी उनको मौका कितने दिन के लिए मिला था, 18 सितंबर से शुरू हुई थी और 20 सितंबर चली, मतलब 3 दिन का मौका मिला था, 18, 19 और 20। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा, पहले 3 दिन तक मौका मिलेगा इतने रैंक के बच्चों को। उसके बाद जब लास्ट डेट जैसे 20 को ख़त्म हुआ था तो 21 को जस्ट अगले दिन, तो 3 दिन के बाद चौथे दिन ही आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको आपके मन का कॉलेज मिला कि नहीं। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्रण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि या कन्फर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। तो एडवांस में दोस्तों आपको पहले 5,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप 5,000 की पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको मौका मिलेगा आपके मनपसंद कॉलेज को च्वाइस करने का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात च्वाइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः ही लॉक मान लिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर भी दोस्तों परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट में एक और बात आपको खाली जाते जाते बताएंगे, फिर आपके कमेंट पर आएंगे। देख लीजिए, आवंटित प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जाँच या प्रवेश की उपस्थिति न होने या प्रवेश न लिए जाने पर किसी भी प्रकार के अभिलेखीय विसंगति पाने पर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की विसंगति है
या आप एडमिशन कराने नहीं जाते, उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट फीस और कंफर्मेशन फीस, ठीक है, 5,000 और 5,000, ठीक है, किसी भी प्रकार से रिफंड नहीं होगा, मतलब टोटल आपका 10,000 रुपये डूब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको हर वीडियो में बार बार एक ही बात समझाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ है, तो एक बार आप डायट कॉलेज से जाकर संपर्क कर सकते हैं कि सर, देखिए लास्ट में फाइनल में जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वो डायट कॉलेज वाले ही करते हैं, उस समय दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो पर और अपने कमेंट्स पर। अगर दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया है तो ये वाली PDF आपको डाउनलोड करना अनिवार्य है। एक बात का और ध्यान रखना, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो जब भी दोस्तों आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की डिटेल से डालते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपके कॉलेज का नाम शो नहीं होता। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, सर जी कॉलेज का नाम कैसे लिखे, शॉर्टकट, सिंपल सा शॉर्टकट नाम लिख दीजिए, जब PDF आ रही है, जब आपके कॉलेज का नाम ही यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जरूर देखा करिए कि जो चीज़ आपने फिल की, क्या उसकी डिटेल इस PDF में है, जो नहीं है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो चल जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमसे जो होता है ना, आपसे एक ID प्रूफ मांगा जा रहा हो, कुछ बैंक पासबुक नंबर इधर उधर, अगर वहाँ पर गलती से एक दो डिजिट गलत हो गए और उसमें देखिए यहाँ पर उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे पैन कार्ड, और एक बात और, अभी तक अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो वो बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के समय जो फॉर्म भरते समय आपने ओरिजिनल ID दी थी वो लगेगी, और आपका आधार कार्ड दोनों लगेगा, ठीक है, आधार भी लगेगा, तैयार रहना। चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला कमेंट क्या है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, रिकवर कैसे करना है, सर मेरा 191.65 है, जनरल एडमिशन हो जाएगा, जी हाँ कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए, फॉर्म नहीं भर पा रहा है, सेशन एक्सपायर हो रहा है, 2 दिन में कुल 69 बार फॉर्म भर के देख चुका हूँ, रैंडम डिटेल्स भरने पर फॉर्म 1 मिनट 30 सेकंड में भर जाता है, परंतु सही जानकारी भरने पर फॉर्म नहीं भरा जा रहा, कृपया मदद करने की कृपा करें, कोई भी अभ्यर्थी जिसे दिक्कत आई कृपया मदद करने की, आपको एक बात बताना चाहेंगे, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है तो पहली बात, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा सेशन एक्सपायर में, तो आप पॉइंट में नंबर नहीं डालेंगे, ठीक है, और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में नहीं हो रहा तो एक बार लैपटॉप में या कंप्यूटर में ट्राई करिए, या आप दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्राई कर लीजिए, कभी कभी एक मोबाइल में दिक्कत आती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है फॉर्म भरने का, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो रात के 2 बजे एक बार ट्राई करिए, ठीक है, रात 2 बजे एक बार, अगर आप खुद से कर रहे हैं, साइबर कैफे जा रहे हैं तो वहाँ तो दिन में भरने की मजबूरी रहने वाली है। चलिए अगले कमेंट पर आते हैं, सर जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उनका स्कॉलरशिप मिलेगी, जी हाँ स्कॉलरशिप में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि PNP की तरफ से ही नोटिफिकेशन आता है डायरेक्ट का, डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए भी आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है, ठीक है, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, 12th पास वाले कर सकते हैं, देखिए कोर्ट का आदेश आना एक अलग मैटर है, लेकिन अभी तक PNP का आदेश क्या आता है, देखिए इंपॉर्टेंट यह है, क्योंकि आपका एडमिशन PNP लेगी, ठीक है ना, तो PNP का एग्री होना ज़्यादा जरूरी है, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, एनी अदर फेसिंग सेम प्रॉब्लम, ठीक है, सर मेरा SC कैटेगरी से 188% है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, देखिए फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो आप लगातार कोशिश कर सकते हैं, बीच बीच में वेबसाइट में भी दिक्कत आती है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं बनी है, ठीक है, उसको देखिएगा, सर हाई है वो 235 नंबर OBC, ठीक है, डैट प्लीज प्रयागराज इलाहाबाद, तो चांस पूरा रहेगा, सर मुझे अगले साल भरना है और मेरा लगभग 210 नंबर है, आपको प्राइवेट मिल पाएगा, सर डेट बढ़ी क्या, अरे बिल्कुल डेट बढ़ गई है, जल्द से जल्द आवेदन करिए, 22 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है, सर मैं OBC से हूँ, मेरा 230 बनना है, जी हाँ चांस बनेगा आपका गवर्नमेंट का भी, कब तक एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट या डायट में, अभी फॉर्म भर दीजिए, 25 अक्टूबर के बाद आगे देखिएगा स्टेट रैंक की बात होगी, सर क्या DLED के साथ कोई और तैयारी कर सकते हैं, देखिए DLED के साथ आप लोग CTET में आ सकते हैं तैयारी में, UPTET रहेगा, और SuperTET शिक्षक भर्ती की तैयारी में आइएगा, फिलहाल एडमिशन लीजिए पहले, सर BTC का एग्जाम होम डिस्ट्रिक्ट होम सेंटर रहता है या सरकारी कॉलेज में, देखिए आपका तो वहाँ से कभी भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ जिस कॉलेज से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो सेंटर जाएगा आपके ज़िले में जो मेन सिटी होगी वहाँ पर जो भी सरकारी, ठीक है, इंटर कॉलेज होंगे वहाँ पर आपका सेंटर जाएगा, सर मेरा फॉर्म
में ग्रेजुएशन का रोल नंबर का लास्ट एक नंबर मिस कर दिया है, डैट कॉलेज मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसके लिए एक बार आप जिस डैट कॉलेज में अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 230+ बन रहा है, तो एक बार आप जाके कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहें नया फॉर्म बनना तो नया भर दीजिएगा। सर मेरा 223 बन रहा है, मुश्किल है, प्राइवेट मिलेगा? सर रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ट्राई करिए सर, स्कॉलरशिप पर एडमिशन करवा लें, आगे चलकर कई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? एडमिशन से पहले किन किन बातों को क्लियर करना जरूरी होगा बताइए। स्कॉलरशिप एडमिशन में प्राइवेट कॉलेजेस में, देखिए आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे जहाँ पर ये देखिए जो ये होता है ना आपका डायरेक्ट एडमिशन या फ्री वाला एडमिशन, ये लास्ट टाइम में होता है। पहले कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि जो बच्चा पैसा दे उनका एडमिशन लिया जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप एक तो लास्ट टाइम काफ़ी दिन के बाद आती है और कोई गारंटी नहीं स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। अगर मान लीजिए आप स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप नहीं आई तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है, स्कॉलरशिप या फ्री में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज वालों से भैया एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि 2 साल में आपका तब भी कितना खर्चा आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस और कई तरह के पैसे कॉलेज वाले लेते हैं। सर प्लीज़ मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं बताइए, 216 नंबर बनना है, बहुत ही मुश्किल रहेगा। एससी से हूँ, देखिए एससी से हैं तो थोड़ा चांस बन रहा है, ठीक है, अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल बिल्कुल चांस नहीं था। राधे राधे सर जी, सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूजी का चाहिए या पीजी का? ठीक है, अगर देखिए आपके पास पीजी हो चुका है तो सिंपल सी बात है आपको डिग्री मिल चुकी होगी, तो सिंपल सी बात है फिर आप प्रोविजनल क्यों देंगे? सर मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा बीए में इतने परसेंट है, जब आप अदर स्टेट के रहेंगे और यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50 चाहिए। सर 244 पर ओबीसी अपने जिले में डायट, जी हाँ पूरा चांस है, क्यों नहीं हो रहा है आवेदन? ट्राई करिए लगातार। सर डीएलएड एडमिशन में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बिल्कुल लगा सकते हैं, एडमिशन में आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, जैसे कट ऑफ में, ठीक है, कहाँ फ़ायदा मिलेगा, कट ऑफ में। डीएलएड से भरोसा उठ गया है भैया, कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए डाइट का लग जाता है, प्राइवेट का लग जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। सर मेरा एड्रेस में वर्ड में प्रॉब्लम हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, ओके, थैंक यू, बस स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, बहुत टेंशन हो रही है। देखिए एड्रेस में थोड़ा बहुत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सर आप ट्रेंडिंग कराओ, गिव चांस फॉर 12th फॉर डीएलएड। देखिए कोर्ट का तो आदेश है, अब ये पीएनपी को सब कुछ कराना है और सेशन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इस साल अगर आपको नहीं मौका मिलता है तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मौका मिलेगा, और अभी पीएनपी सोच रही होगी डबल बेंच जाने की, देखते हैं क्या होता है, अगर मामला कोर्ट में चला जाएगा तो फिर पीएनपी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सर डीएलएड में काउंसलिंग एक ही बार होता है क्या? फर्स्ट काउंसलिंग में मनपसंद कॉलेज ना मिले तो दोबारा? जी हाँ, काउंसलिंग आपके 2 राउंड की होगी, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब पहले से नोटिस आई थी तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग की बात थी, और दोबारा दोस्तों 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, ठीक है, तो 2 बार आपको एटलीस्ट मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, फिलहाल आपके जो भी डाउट्स हों उसको कमेंट करते रहिए और जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए, स्टेट रैंक बहुत ही हाई फाई आएगी, ठीक है ना। फॉर्म में गलती हो गई तो फिलहाल किसी भी प्रकार का आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, इसमें तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा। 12वीं पास, जी हाँ, देखते हैं पीएनपी क्या डिसीजन लेती है, या तो आपको मौका देगी या तो मामला कोर्ट में जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। 22 अक्टूबर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सेफ जोन सबसे ज़्यादा सबसे सेफ क्या है, 240+, बाकी में 235, बाकी में 230+, बाकी में 210+। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।